हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीजारे क्लासेस। आज हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल लिटरेसी का आपने जो प्रोग्राम कर लिया था अटेंड, तो उनके सर्टिफिकेट अभी आना शुरू हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी खबर है ये आप सभी के लिए कि सर्टिफिकेट आना अभी शुरू हो चुके हैं। आप में से कुछ बच्चों के सर्टिफिकेट अभी तक आ चुके हैं और अगर किसी का आना बाकी है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कोविड की वजह से जो डिले हो गया था पिछले कुछ दिनों से, वो अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम ही बता दिया था आपको। और अभी हर एक बच्चे का थोड़े थोड़े दिनों के बाद में हर एक बैच का सर्टिफिकेशन आना अभी शुरू हो चुका है। तो आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको आपका सर्टिफिकेट मिल पाएगा, ये सारी बातें आज हम इसी वीडियो में जानेंगे और देखेंगे कि आपका सर्टिफिकेट आप कैसे अचीव कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि आपने जब फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था, उस वक्त आपने एक ईमेल आईडी आपने दिया था फॉर्म भरते वक्त, तो वही ईमेल आईडी आपको इस्तेमाल करना है। और उस ईमेल आईडी पर आपको एक मैसेज आएगा, उस मैसेज के अंदर ही आपका सर्टिफिकेट होने वाला है और सर्टिफिकेट जो है वो पीडीएफ फॉर्म के स्वरूप में आपके ईमेल में आएगा। हो सकता है आ भी चुका हो। तो अब आपको करना क्या है, उसी ईमेल आईडी पे आपको जाना है और मैं जो कहूँगा उसी नाम का जो आपका ईमेल होगा, उसी नाम के ईमेल के अंदर आपका सर्टिफिकेट जो है वो होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं कौन सा वो ईमेल है। तो देखिए, आप यहाँ डैशबोर्ड पे देख सकते हैं लर्नेट टीम के नाम से आपका ईमेल आने वाला है। लर्नेट टीम का ईमेल आप ढूंढिए आपके ईमेल के अंदर, इनबॉक्स ओपन कीजिए, इसके अंदर आपको लर्नेट टीम के नाम से एक ईमेल आया होगा। उस ईमेल को ओपन कीजिए, वहाँ पे लिखा होगा FLP कैंडिडेट। ओके, तो देखिए FLP का मतलब होता है फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम। ओके, और लाभ 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 कुछ मैसेज होगा उसके अंदर, डियर कैंडिडेट वगैरह वगैरह। ओके, तो वही मैसेज जो है आपको उसके नीचे पीडीएफ की एक फाइल मिलने वाली है, उसी फाइल में आपका सर्टिफिकेट वहां पे प्लेस किया गया है। तो आपको सिंपली वो सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड करना है। मुझे नहीं लगता कि आपको डाउनलोड करके देने की जरूरत है, लेकिन आप यहाँ पे बाजू में देख सकते हैं कि लर्नेट टीम के नाम से आपका मैसेज आया हुआ है और उसी के अंदर दूसरा भी आपको ईमेल दिख रहा होगा। उसके अंदर ईमेल ओपन करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से मैसेज दिखेगा और आपका सर्टिफिकेट भी वहां पर दिखेगा। तो डोंट वरी, बिल्कुल जैसे आप कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करते हैं वैसे उसके को सिंपली डाउनलोड कर लीजिए, चेक कर लीजिए। उसके अंदर आपका नाम होगा, आपके फादर का नाम होगा, डेट ऑफ इश्यू होगा, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आपको मिलने वाली है। और देखिए, बहुत ही काम का सर्टिफिकेट होने वाला है, तो उसको ज़रूर डाउनलोड कीजिए और कुछ दिनों के बाद में या जैसे भी आपको पॉसिबल हो उसकी प्रिंटआउट निकाल के रखिए। आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके अंदर आपको उसको लगा देना चाहिए, क्योंकि वो फ्यूचर में बहुत काम में आने वाली चीज़ है आपके, क्योंकि आपके पास में फाइनेंशियल नॉलेज है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो सर्टिफिकेट ये शो करता है कि आपके पास में फाइनेंशियल नॉलेज है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपके लिए ये तो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि फाइनेंशियल सर्टिफिकेट आपको एक जॉब भी दिला सकता है उस केस में। हाँ, जो अदर बैकग्राउंड से है उनको भी ये कहीं ना कहीं एक अदर एक्टिविटी के तौर पर बहुत काम में आने वाला है। तो आप सभी को अपना अपना ईमेल चेक कर लेना चाहिए और देखना चाहिए कि आपको सर्टिफिकेट मिला है या नहीं मिला है। अगर नहीं मिला है अभी तक तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि बैच वाइज वो सर्टिफिकेशंस अभी निकलना शुरू हो चुके हैं। मैंने देखा है कि हमने बैच नंबर 1 से लेके बैच नंबर 58, मतलब टोटल 58 बैचेस हमने बच्चों को पढ़ाया था, उसमें से काफ़ी सारे बच्चों के बैचेस के अभी तक सर्टिफिकेट जनरेट हो चुके हैं, कुछ को आना बाकी है। तो जिनके नहीं आए अभी तक, उन्होंने थोड़ा सा पेशेंस रख लेना है, ताकि आपको आने वाले कुछ दिनों में आपका सर्टिफिकेट मिल ही जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो और फाइनेंशियल लिटरेसी का प्रोग्राम ये दोनों बहुत ही पसंद आया होंगे। तो जरूरी है कि अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में भी मैं NSDC और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके बारे में मैं आप तक जानकारी पहुँचाया जा सके, ताकि आपको गवर्नमेंट के जो कोर्सेस हैं वो आप तक आपको मिल सके, आप उसका लाभ उठा सके। तो आप ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इसलिए पिछले वीडियो में मैंने डिजिटल
मार्केटिंग का जो ये वीडियो डाला गया था, मैं देख रहा हूँ कि उसके अंदर महाराष्ट्र के भी बच्चे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो जरूरी है कि आप उसे ठीक से देख लीजिए। मैंने वो वीडियो स्पेशली दिल्ली एनसीआर के कैंडिडेट्स के लिए ही डाला हुआ है। अगर आपके रिलेटिव और फ्रेंड्स दिल्ली एनसीआर रीजन से बिलोंग करते हैं तो जरूर उन तक वो वाला वीडियो आप पहुंचा दीजिए, ताकि वो कैंडिडेट उस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का बेनिफिट उठा सके और उन तक वो कोर्स फाइनली पहुंच जाए। फिलहाल ये कोर्स सिर्फ दिल्ली एनसीआर के रीजन के बच्चों के लिए ही था। जब भी ये महाराष्ट्र के कैंडिडेट के लिए आ जाएगा तो मैं तुरंत आपको जो है इंटीमेशन है वो आपको इसी यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं पहुंचा ही दूंगा। तो चलिए यहाँ पे रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय, सी यू।